कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी, मेरी मानो सना है इसी में भला, जो करोगी गुजर तो गुजर ही नहीं, तेरे सर की कसम तुझे भेजू यादम, तेरे सर की कसम तुझे भेजू आदम, अपनी करनी में छोड़ू कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए, लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो। केवल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे मेरे इसलिए मुझे माफ कर दे, तू मेरे पिताजी को बुला ले, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन तुम किस पिता की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है पूरन, कि जिस दिन से घर में मैं आई, कि जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर लई, पिता से भूल गई।
मौसी, कुछ परमात्मा का खौफ कर। तुझे बोध नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, इसलिए मौसी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ जाने दीजिए मुझे। अरे पूरन, खैर ये तो मेरी किस्मत है बेटा। रोटी नहीं खाती ऐसे जीवन से मौती भली, पर बैरनी मौत न आती है। पूरनमल, इसलिए मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ, इसलिए पागल हो गई हो तुम। जीवन भर साथ नहीं पाऊंगी। पूरन, कुछ तो समझो, कुछ तो मेरी मन की मजबूरी को देखो। ना मानो बात पूरन मल तो मैं नांगने मतलब सिर्फ एक है मौसी, मां कभी हत्यारिन नहीं बनती, मां कभी नागिन नहीं बनती। और अगर ये बात कह रही हो तो कोई बात नहीं, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा करना, मैं जा रहा हूं। अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, अरे थोड़ा दूर रहो उनसे। अरे ये फेंटा क्या पकड़ रही तुम? अरे पूरनमल, तुम यहां से नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम? अरे ये फेंटा छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं फेंटा नहीं छोड़ सकती हूँ और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर ऐसी बात है मौसी, ले ये फेंटा तेरे हाथ में है, ये कटारी तेरे हाथ में है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। तेरी जो इच्छा हो सो करना, मैं जा रहा हूँ मौसी, जा रहा हूँ। अरे पूरन, तुम जा तो रहे हो लेकिन एक मेरी बात सुने जाओ कि जाने का इल्जाम शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि सुबह होते ही मैं क्या करूंगी। अरे क्या करोगी, अब तो हम तुमसे बहुत दूर हैं। अरे पूरन, कि ना ही बात हमारी मानी। किस दिन की तेरी जवानी, ना ही बात हमारी मानी। जिद मैंने अपनी भी ठानी, मारूंगी बाहर मिले ना पानी। तेरी जो इच्छा हो वो करना मौसी, मैं जा रहा हूं। लेकिन अब हम समझ गए, कभी कभी मां भी नागिन बन जाती है, मां भी नागिन बन जाती है। लेकिन मौसी, मेरे मरने से अगर तेरी छाती शीतल होए तो मौसी निश्चित सुबह तू मरवाई दीजे मोए। हे माँ, अगर मेरे मरने से तेरी आत्मा में संतोष आ जाए तो मुझे मरवा देना, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मौसी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर हैं।
अरे मेरे मरने से छाती शीतल है जाए मैया तेरी। नहीं मानोगे तो मेरी ही मर्जी चलेगी। मेरी मात बिने तो सुकरी रह जाए हर बार यार उल्ले देखो मेरी जाने बन गई तू मौसी बीमार मोसे भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो मोसे भारी बन गई भूल दासी के कहने पे आई गयो। जा रहा हूं मैं दासी। बहन आप क्या करें, वो तो चला गया। हे रानी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो ऐसा लड़का नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने सोचा चलो नहीं मान रही है तो मैं बुला करके ले आई, तुम्हारे पास खड़ा कर दिया, फिर भी वो वापस चला गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती हो। लेकिन अब क्या होना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर सुबह होते ही उसने अपने बाप से कह दिया तो मेरी खैर फांसी होगी, वो तो होगी ही, लेकिन साथ में तुम्हारी भी फांसी होगी। अब क्या करें सोचो आप ही। गवा दे दे अगर बांधी तो पूरा गुल खिला दूंगी, वो अपने बाप से चुगली खाएगा भी तो उसका रंग हटा के अपना रंग जमा दूंगी। बहन हाँ। अगर तू मेरी बात में गवा बन जाए तो मैं अपनी भी जान बचा लूंगी और तेरी भी, और सुबह होते ही पूरन मल को फांसी लगवा दूंगी मैं। हे महारानी, आप ही बताइए, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तू चली जा और मेरे पति को बुलाकर के यहाँ पर ले आ। हे महारानी, ऐसा कह रही हो तो मैं अभी जाती हूँ और तुरंत बुला करके लाऊंगी। महाराज जय हो महाराज की। महाराज आपसे मिलने आपकी छोटी रानी फूलमती की दासी आई। हमसे मिलने? हाँ साहब। छोटी रानी की दासी? हाँ सरकार। पूछा नहीं। दासी है, चेहरा से कुछ उदासी है और मालूम पड़ती है खून की प्यासी है। अरे ऐसा बुलाओ। बुलाओ। बुला रहा हूं हजूर, महाराज ने आपको बुलाया है। क्या बात है दासी, कैसे आना हुआ? हे राजन, मुझे आपकी छोटी रानी ने भेजा है। क्यों भेजा? सुनो क्यों भेजा है। कि सुनो मेरे महाराज, हमें रानी ने भिजवायो है और बहुत जरूरी काम अभी रानी ने बुलवायो है। हो बहुत जरूरी। हमें बुलवाया है? हाँ जी। अरे जरूर बुलाया होगा, क्योंकि उन्हें हमारे बिना किसी तरीका से चैन नहीं। चैन ही नहीं पड़ता है। मंत्री ठीक है ना? हजूर चौकस बोल रहे हो। मैं जोड़ू हाथ तुम्हारे राजा, करियो मती अवारी, संग हमारे चलने की अब करो नाथ तैयारी। हो संग हमारे चलने की। दासी कह रही है मंत्री,
हाँ सरकार, कि छोटी रानी ने बुलाया है तो जाना अति आवश्यक है ना? जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। पहले सरकार जो खांसी को मनाए वो चाहिए। मैं जा रहा हूँ, चलो दासी तुम मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे। सोटा हमारा कहाँ है? लीजिए सरकार। अच्छा ऐसी बात है, ये हमारा सोटा हमारे हाथ में आ गया, मैं चल रहा। अरे रानी, ये क्या है, तुम जमीन पर लेटी हो और ये चारपाई इधर पड़ी है, ये हुआ क्या? ये बात क्या है महाराज? कुछ मत पूछो, अब मैं इस घर में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ महाराज, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मुझे। महाराज और कोई दूसरा क्या कह सकता है महाराज, अगर आप यही जानना चाहते हो तो सुनो, कि दूसरे की कहां मजाल मुझे देखे जो बुरी नजर से, खुलवाए रे तो खुल कहूं जा घर पे ही पत्थर बरसे, खुलवाए रे तो खुल कहूं जा घर पे ही पत्थर बरसे। घर में? हाँ, लेकिन घर में घर की तो तुम मालकिन हो। घर की तुम मालकिन हो महाराज? मालकिन थी तब थी, लेकिन तो अब तो मेरा दर्जा बंदी के भी बराबर नहीं रहा। आज गजब कर गयो पूरन मल नहीं डर आपके डर से, मेरे डर से? हाँ महाराज। जाते हैं क्योंकि हम नौजवान। महाराज अरे गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरू आपके डर से, महाराज आप जानते हो कि तुम्हारा बेटा जो पूरन मल है, गजब कर गयो पूरन मल नहीं डरू आपके डर से, मेरू या बाको किन को काटोगी सर खंजर से, मेरू या बाको किन को काटोगी। इसका मतलब है कि तुम हमारे भोले बच्चे के ऊपर दोष लगा रहे। ये दोष लगाने वाली बात है, वो तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा पुत्र है। महाराज आप ये बातें कैसी कर रहे हैं, क्योंकि महाराज अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब हकीकत मालूम पड़ेगी तो सब कुछ सच मान जाओगे। पता है कि तुम तेरिया चरित्र दिखा रही हो, तुम एक नाटक करके हमें। एक बार सुनो, अरे है फूल मती नारी हर क्यों असुआ ढरकाए रही थारी। अरे पूरन मल मेरे बैठा ले तेरी क्या जागीर छिना ली। तुमसे क्या तुम्हारा बालक नहीं था वो? हमें लगता है कि जो कुछ कह रही हो ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत। क्यों दासी? हाँ। क्या ये सच है कि झूठ है? नहीं रा...
राजन ये सच है। अरे हमारी यही दिमाग में समझ में नहीं आ रही है कि ये बात क्या है, हकीकत मतलब क्या है इसका। पूरनमल रात को आया था। हाँ आया था, आया था, आया था, लेकिन मेरे ये दिमाग में नहीं आ रहा है क्यों आया था यहाँ। इसका मतलब है कि तुम दोनों की एक सलाह है और तुम झूठ बोल रही हो मिलकर के। इसका मतलब है कि मेरे बच्चे के ऊपर दोष लगाने की कोशिश। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो आया तो था, परंतु मेरे को ये नहीं पता क्यों आया, क्यों आया था। लेकिन हमें ये बताओ, तुम्हारे पास कोई साबूत है? महाराज, अगर आप यही पूछ रहे हो तो हाँ, मेरे पास साबूत है। साबूत है? है साबूत महाराज। अरे कैसे आ गया? सुनो महाराज, मेरे पास साबूत है। नादान कमीना निकल गया, तुम करत बड़ाई उसकी हो। अरे नजर पसारी के देख ले जा फेटा, कटारी किसकी है? ये फेटा, ये फेटा। देखिए महाराज, क्या देख रहे हो? ये फेटा। महाराज ध्यान से देखो, अब तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें खांसी जरूर आएगी। खांसी की बात नहीं है, ये फेटा। देखिए महाराज, अरे नजर पसारी के देख ले जा फेटा, कटारी किसकी है? समझ गया महारानी, मैं समझ गया। अब जलील करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि वो आस्तीन का सांप जिसे मैंने अपना बालक समझा, आज उसी ने समाज में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब आप बताओ, इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? महाराज, आप से फांसी लगवा दीजिए। क्या? हाँ महाराज, आप उसे जल्दी फांसी लगवा दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। मैं जा रहा हूं दरबार में और अपने मंत्री से मिलता हूं। भाई मंत्री। हजूर। नहीं चाहिए मुझे कुल का कपूत कोई कमीन, नहीं चाहिए मुझे आस्तीन का सांप। समझ रहे हो कि नहीं? सरकार क्या हो गया? हो गया क्या? हो गया, जल्लादों को बुला करके ये कहो, पूरनमल जहां भी मिले उसे पकड़ करके फांसी लगा दो, मुझे पुत्र की जरूरत नहीं। अन्नदाता की जैसी आज्ञा है, मंत्री आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। जल्लादों को लेकर हम जा रहे हैं बाग में और आपके उस पुत्र, लेकिन लेकिन का मतलब लेकिन किंतु परंतु कुछ भी वो कुछ भी नहीं है, उसे पकड़ करके फांसी लगा दो, बस बस। यही तो लेकिन का मतलब पूछना चाहते थे कि उसे राजकुमारों की तरह लाना है या चोरों की तरह? वो मेरा लड़का जरूर है, लेकिन आज के बाद लड़का नहीं है, अभी मुलजिम है। उससे हमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। अन्नदाता का आदेश का पालन होगा। आदेश है, चलो। अन्नदाता की जय हो। हजूर, ये आपका युवराज आपके सामने पेश। ले आए इस कमीन को। अरे इसे तो मार करके वहीं गिरा देना चाहिए। इसे मेरे नजरों के सामने तुमने खड़ा कर दिया। क्या कमीन, केवल हमें एक बात बता। अरे
रूपा दोषी मात में। मगर पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? क्या करें? सच तो ये है, आधी रात के समय और पिताजी वो दासी गई थी बुलाई दे। जब मेरी मौसी ने तो आए थे धर्म बचाई रे। मेरा कोई कसूर नहीं है, आधी रात के समय दासियों में धोखा देकर के आंगन में बुला के ले गई, मगर मेरी मौसी ने जब मुझसे कोफर बका तो मैं चुपचाप लौट करके चला आया। पिताजी चुपचाप लौट करके चला आया। विश्वास नहीं माली को पूछियो जाइए, बन गई भूल आप से बबुला भारी मन कमाई रे। आधी रात के समय दासी जब हमें बुला करके ले गई, मगर माफ करना मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं था, इसका मतलब है कि सारी कहानी झूठ बोल करके सच करने की कोशिश करने की आदत है तेरी। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तूने किया है, इसलिए जल्ला दो। इस भरे समाज के सामने हम मौत दिखाने के लायक नहीं हैं। उठाओ इस कमीन को और ले जा करके इसे फांसी लगा दो। फांसी फांसी चलो, हजूर का आदेश है, चलो। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए भैया, हालांकि मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं, मगर बोलो। पिताजी से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर तुम हमें फांसी लगाना चाहते हो तो हर जगह नहीं, केवल एक जगह। एक जगह? अरे कौन सी जगह? कौन सी जगह पिताजी? अरे मोए फांसी घर लगवाओ तो मौसी के द्वार पे ही लगवाइयो। द्वार पे लगवाइयो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूं तू मर जाए, लेकिन बात एक और है पिताजी। मेरी बूढ़ी मैया अंबा देश है बबुला नेख मिलाइयो। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के घर मर जावेगी। मेरी मैया मेरे बिना तड़प के जान गमावेगी।